आज अफसोसनाक खबर आई है जनाब, अफगानिस्तान की जानिब से, अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। और इसके साथ हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। साथ जवाबी कार्रवाई में वहां पर कुछ दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तला है। इसके अलावा 6 के करीब बताए जा रहे हैं कि दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं जिन्होंने अटैक किया था। लेकिन अब सवाल वही पैदा होता है कि ये वही खदशात हैं जिसकी तरफ पाकिस्तान इशारा कर रहा था कि अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बनती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं चीज़ें, तो फिर उसका असर पाकिस्तान में नज़र आएगा। क्या अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और अफगान तालिबान इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता 24 घंटों में एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया और बताया ये जा रहा है कि जो काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था पिछले दिनों, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको हलाक किया गया, ये उनका दावा है। इसके साथ साथ मजीद भी वो कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस की कर रहे हैं और हमने आज भी एक धमाके की इत्तला सुनी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी खदशात भी जन्म ले रहे हैं। मामलात किस तरफ जा रहे हैं अफगानिस्तान के, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले इमरान साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये जो अफसोसनाक सूरत पेश आई है कि पाकिस्तानी फौजी जवानों की शहादत हुई है, इमरान साहब, ये वही खदशा है जो हम कह रहे थे कि TTP के लोगों को आपने एकदम से छोड़ दिया और उसके बाद अब अफगानिस्तान के ज़बीहुल्ला मुजाहिद भी ये कहते हुए नज़र आए कि TTP जो है वो पाकिस्तान का मसला है। इस बात को आप कैसे ले रहे हैं कि अफगान तालिबान इस सिलसिले में कोई चेक नहीं रखेगा? देखिए समीना, अफगान तालिबान जो हैं उनके लिए सबसे अहम मसला ही अमन ओमान का। अब देखिए, वो वक्त जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी सूरत हाल चेंज होती जा रही है। सूरत हाल किस हवाले से कि अब उन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगरचे इस वक्त ये मामला, उस वक्त जब तक फौजी इनखलाब मुकम्मल नहीं हो जाता उनको पूरी तरह से जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब अमेरिका भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनखला हो जाए। बरतानवी फौज का तो इनखला हो भी चुका है मुकम्मल, अमेरिका का भी आखिरी मराहिल में दाखिल है, आखिरी मराहिल में। लेकिन अब देखें उसके बाद होगा क्या। उसके बाद दो चीज़ें, एक तो तालिबान का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हो जाएगा, उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी मुकम्मल तौर पर उन पर पड़ जाएगी। अब वो उसको किस अंदाज में लेके चलते हैं, देखें पाकिस्तान के आज भी जो दो हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो ये एक मामला ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो खुली कार्रवाइयाँ करता रहे और पाकिस्तान भी खामोश तमाशाई बन के बैठा रहे। पाकिस्तान को इस पे, इस हवाले से अफगानिस्तान को और अफगान तालिबान को TTP के हवाले से भी कोई प्रॉपर फैसला करना पड़ेगा। और ये जो मेरा ख्याल है कि ये जो मौक़िफ़ है ना कि TTP और तालिबान बिल्कुल दो अलग अलग जमातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं एक ही जमात है, उसके दो विंग हैं, उनमें से इस उनको अपने एक्शन के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि उनका TTP से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी सख्त मौकफ अपनाएगा। और उसके अलावा अगर इस तरह की सरजमीन उनकी इस्तेमाल हुई तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जो है उनको इस हवाले से शकूक पैदा। बिल्कुल ठीक है, मैं हिलाली साहब का भी कमेंट इस पे जरूर लूंगी। हिलाली साहब, क्या वाकई अफगान तालिबान और अफगान जो TTP है यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इनको हम कोई कह नहीं सकते कि इनका आपस में लिंक है? और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है इसके पीछे कौन हो सकता? पहली बात तो ये है, दो अलग तंजीम नहीं है, मैं समझता हूँ दे जॉइंड एट द हिप। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इनका क्या रिएक्शन था अफगान तालिबान का। अफगान तालिबान अगर हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और अगर अपना वादा जो उन्होंने दुनिया को कहा है कि हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कोई नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़, तो पहली चीज़ उनको कहना था कि हम बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि आपका एक बंदा शहीद हुआ है और हम उस पर वी आर वेरी अनहैप्पी।
और हम हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और हर तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इसमें रابطे में रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये हमारा खेल नहीं है, टीटीपी और पाकिस्तान खुद बात करें एक एक के साथ। अच्छा? ये तो सर पहले वो कह चुके थे, वैसे ये अटैक बाद में हुआ है, उन्होंने ये बात पहले कह दी हुई थी, ये अटैक तो अभी नहीं, रिसेंटली नहीं हुआ है। नहीं, ये अभी कहा है उन्होंने, डेढ़ दिन हुआ है, एक दिन हुआ है, आज सुबह कहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान का एक मसला है जी जी। और पाकिस्तान और टीटीपी सॉल्व इसको सॉल्व करना चाहिए। उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि ऐसे मसले हम नहीं होने देंगे, कमीशन भी बनाया था, हमारी जिम्मेवारी है। तो ये क्यों कह रहे हैं अब? तो इसके माने यू गॉन बैक। अब दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं कहते हैं, हम उनसे कहना चाहिए कि भाई तुम लोगों से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुम लोग अभी आए हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। हमारे एक दो तीन पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं जब से तुम इंचार्ज हो अफगानिस्तान से, तो हम चाहते हैं तुम्हारी इजाजत से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर और इनको पकड़ेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि हम इनको खत्म करें और तुम नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, हम आके करना चाहते हैं, वो भी नहीं दे रहे। तो देखिए व्हाट इज दिस, ये लिटमस टेस्ट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारा हमारी सिक्योरिटी अगर उधर से जेपरडाइज हो रही है तो फिर फर्क क्या है भाई, ठीक, इंडियन हो ये हो, फर्क क्या है, दोनों को ही परवाह। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगती है, स्पेशली चमन बॉर्डर आपको बता दें ये पेशावर के नज़दीक जो पाक अफगान बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर ये बॉर्डर लगती है, और इस पर मतलब एक पाकिस्तान की आर्मी पर पहले अटैक होते रहे हैं, ये पहला वाक्य नहीं है, इसके पहले काफ़ी अटैक हुए हैं जिसमें जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, जब तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि अब पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है, अब पाकिस्तान की फेवरेट, पाकिस्तान के जो मतलब पाकिस्तानी ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान के बैकयार्ड तालिबान आ चुके हैं अफगानिस्तान में गवर्नमेंट में, तो अब चमन बॉर्डर से उनका पूरा का पूरा प्रेशर लोड हट जाएगा और वो एक ही बॉर्डर पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर ये जो पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, इसके बाद पाकिस्तान के मीडिया का आप रिएक्शन देख सकते हैं, जफर हिलाली को देख सकते हैं, जफर हिलाली ने किस तरीके से एग्रेसिव रिएक्शन दिया है। हालांकि तालिबान को अभी भी बहुत नॉर्मल हल्के हाथ से मतलब पाकिस्तानी मीडिया के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के जो रिटायर फौजी हैं वो मतलब हल्का हाथ रख रहे हैं इस हमले के पीछे और इस हमले पर ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले पे पाकिस्तान के दो जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि और ज्यादा भी हो सकते हैं, और 8 से 6 अफगानी रिफ्यूजी मारे गए हैं। तो रिफ्यूजी जो मारे गए हैं वो बेचारे मतलब तालिबान से परेशान होकर पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या माहौल बिगड़ा, कैसे क्या फायरिंग हुई जिसमें पाकिस्तानी फौजी भी मारे गए और अफगानी रिफ्यूजी भी मारे गए। तो ये मतलब डेफिनेटली किसी की भी जान जाती है और बेफिजूल मतलब कोई रीज़न ना हो तो ये बहुत बुरी बात है। जो नॉर्मल व्यक्ति मारा गए हैं वो तो बेचारे वो तो वहाँ से भाग रहे थे जान बचाने के लिए, और वो पाकिस्तान बॉर्डर पाकिस्तान के अंदर घुसते, क्योंकि पाकिस्तान में जो पश्तून बेल्ट का इलाका है वो अफगानिस्तान के पश्तून बेल्ट के इलाके से सेम टू सेम है, मतलब उनका कल्चर सेम टू सेम है, तो वो यहाँ पर आकर बसना चाह रहे थे, और ऐसा बहुत सारे लोग बसे भी हैं। और पाकिस्तान के जो पंजाबी आर्मी की स्टैब्लिशमेंट की गलतियों की वजह से वहाँ के पश्तून माइग्रेट कर करके पेशावर में आए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले रशिया जिहाद किया, अब अमेरिका जिहाद, ये सब इनका चलता रहता है, उस वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ के वो यहाँ आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अब पाकिस्तान में जो मारे गए हैं, और तालिबान के प्रवक्ता ने जियो न्यूज में सलीम साहबी के शो में आकर बोल दिया कि TDP से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो आपका मामला है, आप निपट लें। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के लोग तालिबान को लेकर ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे थे जैसे कि मान लीजिए इनके घर में किसी की शादी हो और बस इस तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो गाइज अब देख सकते हो आगे तालिबान किस तरीके से अपने चेहरे दिखाता है। हालांकि तालिबान भारत को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, तालिबान भारत से दोस्ती के लिए एक प्रकार से मरा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये पाकिस्तान की मीडिया में तालिबान का स्टेटमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं गाइस। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।